गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि आपकी विंटर वेकेशन पड़ी है 16 तक, तो हम इसमें अपनी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने देखा कि हमें जब ऑफलाइन थे तो हमने 11 चैप्टर कर रहे थे मैथ में, और हमारा जो 11 पॉइंट कितना था, 3 था, वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 11.4। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। बुक में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है, यानी जो आपका हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे, तो एक जो आपका क्या है, टैंक है, टैंक कैसा है, आयताकार, इस तरीके का क्या है आपका एक टैंक है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तथा किस स्थिति में आयतन निकालेंगे। तो हमें बताना है कि हमें किसमें आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और किसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें हमारी कुछ कंडीशन दी गई है, कुछ कंडीशन दी गई है, जैसे कि पहली है यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। देखिए, यदि हमें यह निकालना हो कि किस बटन की क्वांटिटी कितनी है, तो जितना बर्तन का वॉल्यूम होगा उतना ही हम उसमें क्या रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं। तो बर्तन का हमें क्या, सॉरी, टैंक का हमें क्या निकालना होगा, इसका वॉल्यूम। तो फर्स्ट में हम क्या निकालेंगे, आयतन। इसमें हमें आंसर यही लिखना है कि ये ज्ञात करने के लिए कि बर्तन में या टैंक में कितना पानी रखा जा सकता है, उसके लिए हमें ज्ञात करना होगा आयतन। सेकंड है आपका, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। देखिए, हमें क्या करना है, इसके अब अंदर हमें कुछ फिल नहीं करना है, अंदर कुछ नहीं रखना है हमें, इसके चारों ओर जो ये आपको ये इसकी एक बाउंड्रीज होती है उस पर क्या करना है, सीमेंट करना है। या फिर मान लीजिए यहाँ पे आपको सीमेंट करने के लिए बोला गया है, लेकिन कहीं कहीं पेंट करने के लिए बोला जाता है, तो वहां पे हमें वॉल का निकालना है। तो वॉल का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या पूछा गया है, इसमें भरे पानी में भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या दिखाइए, संख्या बतानी है। तो संख्या कब निकलेगी, जब हम इसमें क्या निकालेंगे, आयतन। ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 3 पॉइंट थे, जिसमें हमें बताना था कि उन्हें निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने बता दिए हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, 2 बेलन दिए हैं, तो बेलन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको आपकी बुक में इस तरीके के 2 डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से बताया गया है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और जो इसका बड़े वाले का क्या है, व्यास। व्यास आपको पता है डायमीटर, यानी इसकी हमें त्रिज्या निकालनी होगी, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ निकालना पड़ेगा। तो हम यहां लिख लेते हैं डी बराबर 7, और अगर हमें रेडियस की जरूरत पड़ी तो क्या हो जाएगा, 7/2। और जो बड़े वाला है उसका व्यास क्या है, 14, और आपकी इसकी ऊंचाई 7। ठीक, बेलन ए, ये क्या है, बेलन हमारा ए, और ये आपका बी। बेलन ए का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, 14। तो बेलन ए यहां पे लिख लेते हैं हम पहले, बेलन, और ऊंचाई कितनी हमारी, 14 सेंटीमीटर। और फिर बताया गया है बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर।
परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है? दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए। देखिए, इसमें हमें पहले क्या निकालना होगा? बेलन का आयतन। पहले इसका आयतन निकालेंगे और फिर इसका आयतन निकालेंगे। फिर नेक्स्ट इन लाइन में क्या लिखा है? इनका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना होगा। ठीक है, तो दोनों चीज हम निकालते हैं। और निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पहले हम आयतन निकाल लें। तो ये देखिए क्या है, बेलन ऑलरेडी हमें बताया गया है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? बेलन का आयतन। बेलन ए का आयतन। तो जल्दी से बताइए, कौन बताएगा बेलन का आयतन क्या होता है? क्या? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या होती है? देखिए, आर हमने यहां निकाल लिया तो 7/2 × 7/2। और एच कितना है हमारा? 40। 7 से 7 डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 आ गया। और 2 से यहां जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 7। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा? वॉल्यूम ए का 7 है, तो आयतन किस में आता है? क्यूब में। ठीक है, फिर हम निकालेंगे बेलन। बी का आयतन फॉर्मूला सेम रहेगा, आर स्क्वायर एच। इसमें देखिए जो आर की वैल्यू है, आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? आर कितना था यहाँ पे? देखिए, आर डी जो आपका डी था, जो आपका क्या था? डी आपका 14 सेंटीमीटर था, और आर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो गया आपका? 7। और डी बराबर कितना? वो भी आपका क्या है? 7। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? आयतन। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 अगेन हम पुट कर देंगे, और आर की वैल्यू क्या है हमारी? 7 × 7। और एच की वैल्यू 7, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? तो बेलन बी का आयतन क्या है? ज्यादा है, 7/8। देखिए, कैलकुलेशन मैंने कर ली थी ताकि क्या हो, परेशानी ना हो। अब हमें क्या निकालना है? इसका वेक पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे? बेलन ए का पृष्ठ क्षेत्रफल। कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है देखिए बेलन का? 2πr R प्लस एच। जब हमें कुल निकालना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं, 2πRH। इसमें आपको सारी वैल्यू पता है, बेलन ए के लिए निकालने हैं तो 2 × π की वैल्यू क्या होती है? 22/7। इंटू आर की वैल्यू क्या थी हमारी? 7/2। 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.5 + 14। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, 22 और ब्रैकेट में यहां पे क्या आ गया आपका? 17.5। और आपका पता है क्षेत्रफल किसमें आता है? स्क्वायर में। तो
सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन क्या आ जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना हमें, बेलन का बी का प्रस्थीय क्षेत्र। सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर आर प्लस एच, और इसमें क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7, और आर की वैल्यू क्या थी जो हमारा सिलेंडर बी था, सिलेंडर बी में हमारा आर कितना आया था 7 7 प्लस 7, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 44 और यहाँ पे 40। इसका जब आप इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना क्या था कि आयतन किसमें अधिक है, तो बताइए आप किसमें अधिक है, आयतन किसका अधिक था और क्षेत्रफल किसका अधिक है। दोनों का ही हमने देखा कि जो आपका क्या था बेलन बी था, हम यहां लिख सकते हैं बेलन बी का आयतन तथा प्रस्थीय क्षेत्रफल क्या है अधिक। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्या कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़िए एक बार, एक ऐसे घन आपकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसका आयतन कितना दे रखा है 5 तो देखिए यहां पर सभी को पता है किसका फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच। यहां पे ध्यान से देखिए एल इंटू बी, इसको ध्यान से देखिए ये क्या कोई और फॉर्मूला बनना है, आप बोलोगे यस मैम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका L into B, और क्षेत्रफल की वैल्यू हमें कहाँ दी है ये रही, ठीक। आयतन बराबर कितना दिया है 900 और क्षेत्रफल बराबर दिया है 180, और क्या निकालना है H, अब तो आप कर ही लोगे इजी बन गया ना, 900 अपॉन 180 डिवाइड करोगे ठीक है 90, तो h बराबर कितना आ गया सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका थर्ड। आगे बढ़े।